दोस्तों अगर आपकी बिलवेड को परफ्यूम्स लगाने का शौक है और इस वैलेंटाइंस डे पे आप उसको एक परफ्यूम गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसे परफ्यूम्स जो कि लगभग आपको 300 की रेंज में मिल जाएंगे और वो क्लोन्स हैं महंगे डिजाइनर परफ्यूम्स के। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटी एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, ये तीनों परफ्यूम्स आते हैं पीटर जे ब्रांड से, और पीटर जे ब्रांड के बहुत सारे परफ्यूम्स के मैं रिव्यू अपने पिछले वीडियोस में कर चुका हूं, बट उन वीडियोस में मैंने मेल परफ्यूम्स को ज़्यादा रिव्यू किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में वैलेंटाइंस डे के मौके पे फीमेल के परफ्यूम्स को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो ये तीनों परफ्यूम्स, उनके नाम है प्योर टेम्पटेशन, वेलवेट टच एंड पैशन फॉर विमेन। और शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों परफ्यूम्स 50 ml क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। शुरुआत अगर मैं प्योर टेम्पटेशन से करूं तो जो ये प्योर टेम्पटेशन फ्रेग्रेंस है, ये एक स्पाइसी, फ्लोरल और स्वीट फ्रेग्रेंस है। इसकी शुरुआत होती है सिट्रस नोट्स के साथ, और साथ ही साथ जो स्पाइसीनेस वाला एलिमेंट है वो आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। इसकी स्पाइसीनेस पेपर के कारण है और जो सिट्रस का नोट है वो बर्गमॉट के कारण है। लेकिन ड्राई डाउन में ये खुशबू मतलब थोड़ी सी फ्लोरल एंगल ले लेती है या फ्लोरल टर्न ले लेती है, जहां पे आपको जैस्मिन और रोज का कॉम्बिनेशन स्मेल करने को मिलता है। लेकिन ड्राई डाउन आते आते जब बहुत ज्यादा डीप ड्राई डाउन इसका चले जाता है, पूरी तरह ये परफ्यूम सेटल हो जाता है आपके कपड़ों के ऊपर, तो इसके अंदर से आपको हल्की हल्की स्वीटनेस का भी एहसास होता है। और जो ये परफ्यूम है प्योर टेम्पटेशन, ये बहुत यंग और पैपी वाइब्स थ्रो करता है। यंग से मेरा मतलब कि जितनी भी कॉलेज गोइंग फीमेल्स हैं या जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को स्टार्ट किया है, कंसिडरिंग बोथ द सिचुएशंस, जहां पे कॉलेज में जो पॉकेट मनी है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है, और कॉर्पोरेट जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो, शुरुआती दिनों में जो आपकी सैलरीज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं हाई होती हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं इस परफ्यूम को आपको रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज अब जैसा ये है कि जो ग्रूमिंग है वो एक बहुत असेंशियल पार्ट है अपनी लाइफ का, लेकिन उस कम सैलरी में, उस लिमिटेड सैलरी में ग्रूमिंग के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना भी सेंसिबल नहीं है। तो इसलिए ये परफ्यूम को मैं रिकमेंड आपको करता हूँ, बिकॉज ये 300 रुपए में आपको मिल जाता है। तो जो इसका एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज गोइंग फीमेल्स हैं, ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं, उनके लिए है। मतलब 18-19 साल की लड़की से लेकर लाइक 25-30 साल की जो फीमेल्स हैं वो भी इसको बड़े अच्छे से कैरी कर सकती हैं। एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ इनके परफ्यूम्स के रिलेटेड, कि जितने भी ये तीनों परफ्यूम्स हैं आप इनको इमीडिएटली स्मेल मत कीजिए, बिकॉज बीइंग बजट परफ्यूम्स, वो जो सिंथेटिक एलिमेंट है आपको इनिशियली जब आप इसको स्प्रे करते हैं, इमीडिएटली जब आप इसको स्मेल करेंगे तो हो सकता है देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की ही खुशबू आए या एल्कोहल की ही स्मेल आए। तो जब आप इसे लगाएं, थोड़ी देर इसको सेटल होने दें, 5-6 सेकंड के बाद जब आप इसे स्मेल करेंगे तब आपको इसका रियल एसेंस समझ में आएगा। अब इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 4-5 घंटे के आसपास बहुत इजीली लास्ट करता है। हालांकि ये जो परफ्यूम है एक ऑल वेदर परफ्यूम है, एक ऑलराउंडर परफ्यूम है, डेली वेयर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, डेट वेयर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस में वेयर किया जा सकता है। बट अगर आपको इस परफ्यूम का एक्चुअल में मजा लेना है, बहुत अच्छे तरीके से लेना है, तो आप इसे समर में वेयर कीजिए। लॉन्जिविटी मैंने आपको बता दी है 4-5 घंटे के आसपास है, तो मेरे हिसाब से 300 रुपए में एक डिसेंट ऑप्शन है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ प्योर टेम्पटेशन के रिलेटेड, वो ये कि ये क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, जिसका नाम है पाको रुबान्स ब्लैक एक्सेस फॉर हर। ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोजली स्मेल करता है, या ये कह सकते हैं कि उससे इंस्पायर्ड है। इसकी कीमत की बात करूं तो ये 50 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है 300 रुपए के आसपास। अगला बात करते हैं इनके पैशन फॉर विमेन परफ्यूम के बारे में। बाय द वे, आई रियली लाइक द बॉटल। वैसे ये लगती मिनिएचर है, दिखने में ये मिनिएचर बॉटल लगती है, बट इट्स अ प्रॉपर 50 ml बॉटल। अब अगर पैशन फॉर विमेन की खुशबू की बात करूं तो ये एक स्वीट, फ्लोरल और वुडी फ्रेग्रेंस है, जहां पे इसकी जो शुरुआत है वो फ्रूटी नोट्स के साथ होती है, और वो जो फ्रूटीनेस है इसको वो ब्लैक करंट का नोट देता है। लेकिन ब्लैक करंट में फ्रूटी नोट्स के साथ साथ आपको थोड़े से टैंगी नोट्स या वो खट्टे नोट्स का भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन अब जैसे ये परफ्यूम थोड़ा सा अपनी ड्राई डाउन की तरफ जाता है, तो इसके अंदर आप एक्सपीरियंस करते हैं प्लेजेंट फ्लोरल नोट्स का। अब इसमें तीन खुशबुएं हैं या तीन ऐसे फूल हैं जिनकी खुशबू आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगी, और वो कॉम्बिनेशन है रोज का, जैस्मिन का और फ्रीसिया का। अब जो रोज और जैस्मिन फूल है वो आपको पता है कि बहुत हैवी खुशबुएं होती हैं, बहुत प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलती हैं। जैस्मिन है थोड़ा सा एरोमेटिक टच देता है इसको, और रोज की जो खुशबू है ज्यादा, बहुत ज्यादा जो प्राइमरीली या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली जिसमें रोज के नोट का इस्तेमाल किया गया होता है वो दूर से पहचानी जा सकती है खुशबू। लेकिन जो फ्रीसिया है वो थोड़ी सी बैकग्राउंड में रहकर बहुत सटल सटल और माइल्ड तरीके से आपको अच्छा फील करवाती रहती है। और इसी ड्राई डाउन में आपको एक ट्रांजिशन देखने को
को मिलेगा इसका एम्बर के नोट्स के साथ। अब मतलब फ्लोरल नोट्स में एम्बर का नोट जुड़ जाएगा जो कि मेजॉरिटी टाइम के लिए आपको ड्राई डाउन के अंदर स्मेल करने को मिलेगा, जहां पे ये खुशबू थोड़ा सा मैच्योर टर्न ले लेती है। अब मेरे हिसाब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खुशबू है। अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन को थोड़ा गौर से देखें या गौर से समझें तो इसकी जो शुरुआत है बड़े लाइक पैपी नोट्स के साथ होती है, बड़े यंग और वाइब्रेंट नोट्स के साथ होती है, जिसमें फ्रूटीनेस स्मेल करने को मिलती है, फ्रेशनेस स्मेल करने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ड्राई डाउन के अंदर ये खुशबू थोड़ा सा मैच्योर टर्न ले लेती है, थोड़ी सी मैच्योर खुशबू की तरफ चले जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये खुशबू यंग फीमेल्स के लिए भी है या थोड़ी सी उन फीमेल्स के लिए भी है दोज हु आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ 30 या 30 प्लस की कैटेगरी में जा रही है, तो उनके लिए भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे तरीके से काम में आ सकती है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये परफ्यूम की लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें शुरुआत में आपको फ्रेश नोट स्मेल करने को मिलते हैं, लेकिन एम्बर के नोट के कारण इसको जो लॉन्जिविटी है वो करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास मिलती है, मतलब वहाँ पे ये मैच्योर्ड खुशबू का एक परिचय देती है। कीमत की बात करूँ तो इसकी भी कीमत आपको 300 रुपये में ये आपको परफ्यूम मिल जाता है। ये क्लोन किसका है तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये खुशबू जॉन पॉल गॉल्टर का जो स्कैंडल फ्रेग्रेंस है विमेन का, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इनके वेलवेट टच परफ्यूम के बारे में। अब मुझे इस परफ्यूम की बॉटल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ही क्यूट और टाइनी बॉटल है। अब इस परफ्यूम की अगर कैटेगरी की बात करूं या इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये एक स्वीट और फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। मतलब टिपिकली आपने जब कभी बहुत पुरानी एक ओल्ड क्लासिक विंटेज फ्रेग्रेंस को स्मेल किया होगा तो इसकी खुशबू कुछ वैसी ही है, जहां पे आपको टिपिकली फ्लोरल नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं और ड्राई डाउन में इसके आपको स्वीट नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, जो कि इसको एक हैवी खुशबू भी बनाती है। कहने का मतलब इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हैवी है और इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट समवॉट ये फ्रेग्रेंस लीनियर है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आपको कुछ एक दो नोट्स का ही एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की खुशबू है। मतलब जैसी वो मेच्योर्ड फीमेल्स फ्रेग्रेंसेस लगाती हैं वैसी ही ये खुशबू है। जहाँ पे जो इसकी शुरुआत है वो ब्राइट फ्लोरल नोट्स के साथ होती है, बट ड्राई डाउन में ये खुशबू बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है बिकॉज इसके अंदर स्वीट नोट्स की भी एडिशन होती है और यही नोट्स इसको एक हैवी और एक मैच्योर खुशबू बनाती है। अब अगर आपकी बिलवड, आपकी वाइफ, आपकी वैलेंटाइंस 35 साल के ऊपर की एज की हैं तो मेरे हिसाब से ये खुशबू उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट बैठेगी। कौन कौन से ओकेजन्स हैं तो मेरे हिसाब से एक फॉर्मल वेयर है, जहाँ पे आप इसको वेडिंग्स में वेयर कर सकते हैं, ऑफिस पार्टीज में वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि इसका प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हैवी है, लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 6 से 7 घंटे के आसपास ये खुशबू आपके कपड़ों के ऊपर टिकती है और ये किसी भी परफ्यूम का क्लोन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपको वो लाइक क्लासिक विंटेज या ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस का इंट्रोडक्शन देगा। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत भी आपको 300 रुपए में पड़ती है 50 ml की बॉटल। सो फ्रेंड्स, मेरा काम था आपको कम बजट में कुछ अच्छे फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड करना, तो आई हैव डन माय पार्ट, नाउ यू हैव टू डू योर पार्ट बाय गिफ्टिंग दीज फ्रेग्रेंसेस टू योर वैलेंटाइन। बाकी अफोर्डेबिलिटी एक सब्जेक्टिव पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का बजट 300 रुपए 400 रुपए के आसपास है उनको ये फ्रेग्रेंसेस कंसिडर करनी चाहिए, बट अगर जिनका लाइक बजट बहुत हाई है दे कैन गो फॉर हायर रेंज फ्रेग्रेंसेज ऑल्सो, बिकॉज बजट का कोई एंड नहीं है या अफोर्डेबिलिटी का कोई एंड नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।